बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और हमें वो आसानियाँ दूसरों में तकसीम करने की तौफीक दे। तो उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की रूटीन मेरी कुछ इस तरह है कि बच्चों के स्कूल बैग्स हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं और बस वो बच्चे कह रहे हैं जी चेंज करने हैं। तो आज हम जा रहे हैं बाज़ार में, बच्चों के बैग्स देखेंगे और उसके साथ साथ सदर में हमने अपनी ग्लासेस बनने के लिए दी हुई थी तो वहाँ से ग्लासेस कलेक्ट करनी है। तो टाइम आपका बहुत शॉर्ट है क्योंकि बारिश का मूड बना हुआ है, तो बस जब थोड़ी देर में निकलने लगे हैं तो इंशाल्लाह अब आपको बाजार मिलते हैं। चले जी बाजार चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हैं खुना ही क्लीने खुना ही क्लीने कहाँ जा रहे हो? अली सदर जा रहा है ना? अली हम कमेटी चौक पहुंच चुके हैं जी। यहाँ पे देख आप देख रहे हैं बाज़ार, हर तरह की दुकान मौजूद है। क्योंकि हम तो स्कूल का बैग चाहिए तो हम तलाश कर रहे हैं अभी, तो अभी चलते हैं आगे। काफ़ी दुकानें हैं आगे, तो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे ज़रा सस्ते मिल जाते हैं बैग, तो हम उसको देख रहे हैं दाएं बाएं शायद नज़र आ जाएगा। अभी करीब ही बताया था किसी ने। हाँ जी वो हमें शॉप नज़र आ गई है, बस तकरीबन वहाँ पहुँच गए हम। हाँ जी सामने बस हम पहुँच गए हैं। ये बैग की शॉप है जी, यहाँ से हमने बच्चों के बैग पसंद कर लिए हैं। लेने तो एक बैग आए थे बलिया का, लेकिन अब सारे तीन बच्चे हैं तो तीनों के लिए लेना है, तो बैग पसंद कर लिए हमने। तो मैंने उसको जो पेमेंट बनती थी पेमेंट दे दी है उसको, तो तीनों बैग बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। ये मिनाल आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ी हुई है, तो मिनाल बहुत खुश है क्योंकि उसका बैग हमने लेना नहीं था। तो मिनाल बहुत एक्साइटेड है, देखें खोल खोल को देख रही है बैग। ये देखें दाएं बाएं से दिखा रही है आपको, ये देखें स्माइलें मार रही है। तो ये अली खड़ा हुआ है हमारे साथ। अली को भी हमने कहा जी आपने क्या लेना है, तो अली मुझे सिर्फ स्माइल कर रहा है आगे से। तो अब हमारा अगला टारगेट है सदर, अब हमने सदर जाना है। तो बस हम कमेटी चौक को अलविदा कहेंगे। हमारे पीछे बहुत सी दुकानें और भी हैं, ये देखें बच्चों कपड़ों की दुकानें भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इंशाल्लाह हम फिर आएंगे इस कपड़ों के लिए। तो अभी सदर के लिए निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको जी रास्ते में। अब हम जी मेरी रोड के ऊपर हैं, सदर की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं शाम हो रही है, वक्त नहीं था, वक्त होते तो बच्चों के लिए कपड़े वगैरह हम ले लेते वहाँ से। तो अब हम जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश है सदर पहुँचें कि दुकान ना बंद हो जाए आगे से। तो ये पिंडी का मशहूर मरी रोड है। अब सदर में बैंक रोड पहुंच चुके हैं हम। बैंक रोड पे बहुत रश होती है शाम के टाइम सदर में, तो बस आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं दुकान पे जा रहे हैं। शॉप्स देखें दाएं बाएं सेल लगी हुई है मुख्तलिफ चीज़ों की, जूतों की कपड़ों की, लेकिन उसके लिए हम किसी और दिन आएंगे फिर वो भी शाला आपको वो भी दिखाएंगे सब कुछ आपको। ये अलजनत वालों का बहुत बड़ा मॉल है जी, वहाँ पर उनके बहुत आउटलेट्स हैं, सदर में भी है कमर्शियल में भी है और पिंडी में जो मोती बाज़ार है उसके आसपास भी है। आई ग्लासेस जहाँ से लेनी है हमने उस शॉप के बाहर खड़े हैं, तो मिनाल की अम्मा गई है अंदर, ये शॉप है यहाँ से अंदर ग्लासेस कलेक्ट करने के लिए गई है वो। तो मिनाल और मैं बैठ के बाहर वेट कर रहे हैं। ये जी मिनाल बैठी हुई है, क्यों मिनाल क्या हाल है, ठीक हो? चलो ठीक है। तो मिनाल बैग पकड़े हुए अपने हाथ में, मिनाल तो बहुत खुश है, देखें मिनाल बहुत खुश है जी। और ये बैग है जी मीरब का, ये बलिया का और मिनाल का बैग है। अब हम वापस आ रहे हैं जी, ये पिंडी का माल रोड है जी, इस वक्त रश थोड़ी कम है इस पर। ये सामने पीसी होटल है, पल कॉन्टिनेंटल होटल ये वो है। तो शाम चूँकि आज बारिश हुई थी दिन के वक्त, तो मौसम ठंडा है, तो सर्दियों की शाम है तो रश थोड़ा कम हो गई इस वक्त। ये रास्ते में जी मछली का एक शॉप नजर आई थी, तो सर्दियां हैं बच्चे कहते हैं मछली खानी है, तो मैं चलो रेट पता करते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियां थी, पॉम्फलेट भी थी और रोहू भी थी, सिल्वर भी थी और इस तरह की और बहुत सारी मछलियां थी। तो हमने रेट वगैरह पता किए हैं तो रेट मुनासिब ही थे, तो फिर हमने यहाँ से बच्चों के लिए मछली भी ली
बच्चे जो हैं वो मछली मछली खाना बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ से मछली ली है जी हमने, तो इंशाल्लाह बच्चों को भी फ्राई करके भी खिलाएंगे आज इंशाल्लाह। ये जी मौसम सरमा की पहली बारिश आज हुई है, तो आज की बारिश से पहले तो मौसम इतना ठंडा नहीं था, तो जैसे बारिश शुरू हुई तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो गया मुसलसल बारिश लगी हुई है, तो इससे मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। अब मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ कि काफ़ी बारिश है, मैं शेड जी खड़ा हूँ, तो पास मेरे अली भी खड़ा हुआ है। ये जी अली, अली खड़ा हुआ है, अली साथ आया मेरे बाहर, तो कहता मैं भी बाहर जाऊँगा। हैं अली, बारिश हो रही है? अली बारिश देखने के लिए आ रहे हैं ना जी। तो अली आगे ना जाना, अली गिर जाओगे। अली आज चने खा रहा है जी, अली कहता चने पसंद है मुझे, तो अली चने खा रहा है, तो कहता मैं बारिश को एंजॉय करूँगा। तो मैं कहता आओ फिर हम गली में जाते हैं, तो फिर बारिश से एंजॉय होती है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इधर बलिया बैठी हुई है, ये बलिया बैठी हुई है और ये मीनार, तो साथ ही उनके बैग्स पड़े हुए हैं, तो ये उनकी पसंद के बैग्स हमने खरीद लिए हैं जो आपको डिटेल से दिखाते हैं। हाँ जी माल, आपका बैग कौन सा है? ये वाला आपको अच्छा लगा? अच्छा जी, माल को जो बैग बहुत अच्छा लगा है, और ये दरमियान में जो बैग है ये है जी मीरब का, तो मीरब जो कि वो काम कर रही है स्कूल का, तो इसलिए वो हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये बैग उसका है। और ये साथ वाला बैग किसका है जी? मेरा। ये जी बलिया का बैग, असल में हम बलिया का बैग ही लेने गए थे, बलिया के लिए हमने यह बैग पसंद किया था जो मीरब ने अब ले लिया, क्योंकि साइज़ में बड़ा है और थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है कुछ बाकी दो के मुकाबले में, तो वो मीरब को पसंद आ गया, वो कहती है जी मुझे दे दें। तो बेसिकली हम बलिया का बैग लेने गए थे, तो बलिया के बैग के साथ हम दो बैग एक्स्ट्रा लेने पड़ गए, क्योंकि फिर बात होती है कि एक बच्चे के लिए लो, बाकी बच्चे कहते हैं जी हमारे लिए नहीं लिया, है ना, ये बात होती है ना। तो बैग्स लेने के बाद वापस टाइम बहुत कम बचा, तो बाज़ार में और मजीद खरीदारी हम नहीं कर सके, तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो लेनी हमारे लिए, वो थी जी ये ग्लासेस। तो ये ग्लासेस हम आपको दिखाते हैं जी, माल निकालो इसमें से। ये ग्लासेस लेने के हैं जी, हम सदर में हमने बनने के लिए दिए हुए थे बैंक रोड पे, खोलो जी। सदर में हमने दिए थे बनने के लिए, तो बहुत अच्छे बने हैं जी, फ्रेम हमने खैर यहीं से खरीद लिया था, हमने जो इसके लेंस वगैरह शीशे हैं जो हमने वो सदर से बनवाए हैं, तो बड़ी मशहूर दुकान है जी सदर में, तो हम सारा काम उधर से करवाते हैं। तो ये देखा जी बैग्स भी हमने ले लिए हैं और जो ग्लासेस थे वो भी हमने ले लिए हैं। ये मेरे पीछे अली बैठा हुआ है, अली क्या करे, अली अली कुछ खा रहा है ना, अब कुछ खा रहा है, अब कुछ खा रहा है अली। तो हम आप अली से मुलाकात भी कराते हैं, अली क्या खा रहा है, अब कुछ तो खा रहा है ना, अली क्या खा रहा है, अली चने खा रहा है, चने खा रहा है, अली को चने अच्छे लगते हैं, दिखाओ क्या चीज खा रहे हो, दिखाओ इसमें देखें हम, ये देखें जी अली सारे चने खा गया, थोड़े से छोड़े हैं, चने बहुत अच्छे लगते हैं इसको, इसको भी इस माल को भी थोड़ी सी खांसी वगैरह लगी हुई है, तो इसको भी हमने ना कल थोड़ी दवाई शाई लेके दी है, बाद में आते बच्चे हैं ना, तो बस वो जो मुँह में आता है बस सामने आता चीज़ खा लेते हैं, बेताती कर जाते हैं। तो अली आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? हाँ। कब जाओगे अली? हाँ छुट्टियों के बाद जाओगे, चलो ठीक है। तो अभी तो अली बहुत छोटा है, हाँ अली अभी 2.5 साल का हुआ है अली, तो अली अभी कहाँ स्कूल जाएगा। तो चले जी इसके साथ ही फिर आज का व्लॉग हम करते हैं ख़त्म, आप रिक्वेस्ट करो उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें जी, हमें ग्रो करने में मदद दें, और हमारी वीडियो देखते रहें और हमारा वीडियो पूरा देखें, ठीक है, हमारा वीडियो एंड तक देखें, ठीक है ठीक है। चले जी मैं इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।